दोस्तों इस वीडियो में मैं वॉशिंग मशीन का ड्रायर अगर नहीं चल रहा है तो कई बार ऐसे भी फॉल्ट होते हैं जिसमें वॉशिंग मशीन के जो टाइमर है वो ठीक होता है, वायरिंग वगैरह भी ठीक होते हैं और मोटर वगैरह भी ठीक होते हैं, लेकिन एक ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जो सिर्फ लूज होने की वजह से आपके वॉशिंग मशीन नहीं चलता है। तो आप भी अपने घर पर एक बार जरूर चेक करें, हो सकता है किसी मैकेनिक या टेक्नीशियंस को बुलाने से पहले आप एक बार ट्राई जरूर करके देखें। मैं जो इस वीडियो में फॉल्ट बता रहा हूँ वही फॉल्ट आपके मशीन में होंगे तो बहुत सिंपल तरीके से आप अपने मशीन को घर पर ही ठीक कर सकोगे। चलिए हमारे पास वॉशिंग मशीन एलजी का है फ्रेंड, डबल खंड वाला सेमी ऑटोमेटिक। इस वॉशिंग मशीन को कैसे आप चेक करेंगे जो कि इसकी ड्रायर नहीं चल रहा है, ये देखिए। तो मैं इसके सबसे पहले इसकी टाइमर को ऑन करता हूँ। ये इसके टाइमर है, ये देखिए मैंने टाइमर ऑन किया तो ये जो डोर होते हैं इसकी, ये ड्रायर वाला डोर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक पिन बने होते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये एक सेफ्टी पिन होता है। कई बार ड्रायर का ये जो ढक्कन होता है ये ठीक से ये पिन को नहीं दबाए, देखिए ध्यान से, ये देखिए। अब आप ड्रायर को देखिए, मैं आपको दोनों चीजें एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैं पिन को यहाँ से जुड़ाता हूँ, देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो इस पिन के सिर्फ लूज होने की वजह से कई बार आपके वॉशिंग मशीन का ड्रायर नहीं चलता है। तो आप ऐसे पिन को एक बार सिंपल इस तरीके से कुछ रेतमल वगैरह या फिर पेचकस वगैरह से भी आप उसको घिस सकते हैं। कैसे घिसेंगे तो सबसे पहले आप अपने वॉशिंग मशीन की पावर सप्लाई ऑफ कर लेंगे। जैसे कि ये देखिए मैं इसको पावर प्लग से पावर दिया हूँ, इसको ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ये जो पिन होते हैं इसमें कई बार डस्ट हो जाते हैं या फिर जंक जैसे चीज लग जाते हैं तो प्रॉपर काम नहीं करता है, ये देख पा रहे हो। तो इसको थोड़ा सा घींच लेना है ताकि ये जो डोर है वो बंद हो, ये देखिए इस तरीके से। तो ये अच्छे से आपस में कनेक्ट हो जाए, अच्छे से जुड़े, ऐसे आपको सेटिंग करना है। तो बस इतना ही करना है और आप अपने वॉशिंग मशीन की ड्रायर जो नहीं चलते हैं ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसकी एक एक पार्ट खोल के बताता हूँ किस तरीके से आप इस तरीके से चेक करने के लिए अपने मशीन को खोलेंगे। तो फिर अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये इसके पीछे वाले कवर होते हैं जिसको खोलने के लिए सिंपल पेचकस यूज करके इनके स्क्रू वगैरह को खोल सकते हो। खोलने के बाद यहाँ से ये पीछे वाला बैक कवर इस तरीके से खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो डोरी होता है इसको जब तक आप नहीं खोलोगे तो ये ऊपर वाले पार्ट नहीं खुलेगा। तो इससे यहाँ पे डोरी को अलग करना है, या आप इसे खोल सकते हो या फिर यहाँ से भी खुलेगा। तो मैं इसको यहाँ से ही खोल देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे रस्सी बांधा हुआ है। ये देखिए इसको अलग कर लिया है। अब ये जो पैनल होते हैं ऊपर वाले इसमें भी स्क्रू होते हैं, उसको खोलना है। खोलने के बाद यहाँ पर देखिए ये इसको थोड़ा सा इस तरीके से ठोकना है क्योंकि इसमें लॉक होते हैं, ऐसे ठोकेंगे हम इस तरीके से तो ये लॉक फ्री हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे उठा सकते हो, ये देखिए। तो इस तरीके से खोलने के बाद आप वॉशिंग मशीन की ये जो सेफ्टी स्विच यहां पर होता है डोर के पास ये वाला, तो यहां तक पहुंच सकते हैं और इसको घिसने के बाद चेक कर सकते हो। कई बार लूज हो जाते हैं, आपस में ज्वाइंट नहीं होता है जिसके कारण आपकी जो वॉशिंग मशीन की ड्रायर सिस्टम नहीं चलते हैं फ्रेंड। तो मैं इस वीडियो में आपको यही चीज बताया हूं, वायरिंग वगैरह देख लो बिल्कुल ठीक है, मोटर भी कई बार ठीक होते हैं, सिंपल ये सेफ्टी स्विच की वजह से आपकी वॉशिंग मशीन का ड्रायर नहीं चलता है। तो इस चीज को चेक कर लें, उसके बाद आप किसी टेक्नीशियंस वगैरह को बुला सकते हैं समझ में नहीं आए तो। इतना करने से आपके वॉशिंग मशीन में हो सकती है ये सेफ्टी स्विच की ही प्रॉब्लम हो तो उसे आप घर पर ही ठीक कर सकते हो। ये वीडियो से जानकारी मिलाओ तो वीडियो लाइक शेयर करना, फिर से लाएंगे हम कोई नई वीडियो नई जानकारी के साथ।